सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसी इस पर कि केंद्र सरकार की एजेंसी इस पिंजरे में बंद तोते की तरह है। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वह तुरंत जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया दाऊद, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब SNL में। मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होगा कि आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए का शरण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया के बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसी इस पर कि केंद्र सरकार की एजेंसी इस पिंजरे में बंद तोते की तरह है और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत भी एक दुर्भावना के तहत की गए। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वह तुरंत जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो मैं कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। यह आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का ब्रांड ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिले। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल में अच्छे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिली। और इसलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन तब तक जब तक चुनाव नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पर जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक जब तक की जिम्मेदारी मेरे पास है तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, यह मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना के भारतीय जनता पार्टी अंत। आजकल दिल्ली के लोगों की बिजली फ्री, बिजली अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, यह मेरी जिम्मेदारी है और उसी के लिए आज हमने अजीत साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आगे का सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया के बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसी इस पर कि केंद्र सरकार की एजेंसी इस पिंजरे में बंद तोते की तरह है। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वह तुरंत जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि
मेरे लिए शेयर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। कि आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी। केंद्र सरकार की एजेंसी इस पर कि केंद्र सरकार की एजेंसी इस पिंजरे में बंद तोते की तरह है और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत भी एक दुर्भावना के तहत गए। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वह तुरंत जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया डाउन, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में, किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए शेयर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना होगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। यह आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए का शरण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का ब्रांड ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिले। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिली। और इसलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक की जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। यह मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली की लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी अंत। आजकल दिल्ली के लोगों की बिजली फ्री, बिजली अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद न कर दे, यह मेरी जिम्मेदारी है और उसी के लिए आज हमने अजीत साहब को पत्र दिया है।